वेलकम बैक माई चैनल दी बेस्ट अनु गुप्ता। और आज है मंडे और आज डेट है 18 डेट है आज, और टाइमिंग हो रहे हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं। और मैं आज आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगी वो एक शॉपिंग है जो मैंने कुछ मेले में से करी थी और कुछ फरीदाबाद से मैंने कुछ लिया था, तो मैं आप लोगों के साथ आज वो शेयर करूँगी। और जिन्होंने मेरा मेले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर एक बार देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत अच्छा व्लॉग है। और बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है मेरी, बना रही हूँ मैं ये वाली वीडियो भी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता मेरे को कंटिन्यूस वीडियो बनाने का। तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि मैंने फरीदाबाद में गई थी तो वहाँ से कुछ शॉपिंग करी थी, मेले में से मैंने क्या लिया वो मैं आपको दिखाऊंगी आज। और मेरे को वैलेंटाइन डे पे छोटा सा क्या गिफ्ट मिला मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को विज़िट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम या मेरे व्यूअर्स हैं देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री है, बिंदास होके इसको क्लिक कर दीजिए, बेल को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आपको वो मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या शॉपिंग करी है, मैं आपको आज वो दिखाती हूँ। और जो मैंने लिया आज वो मैंने फर्स्ट टाइम लिया तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या लिया है। एक तो फ्रेंड्स मैंने ये कुर्ता लिया है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ ये कॉटन का कुर्ता है, और प्लस इसकी जो लुक है वो ऐसी है। तो ये फ्रॉक लुक में है और नीचे से ये ऐसे लुक में आ रहा है। तो एक ये कुर्ता मैंने परचेज करा था फरीदाबाद से, लोकल मार्केट में से मैंने लिया था। तो ये एक कलेक्शन है मेरी जो मैं नया लाई हूँ, सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और सेकंड कुर्ता भी मैं आपको दिखाती हूँ, आप बताइएगा आपको ये वाला कुर्ता मेरा कैसा लग रहा है। कुर्ता है वो कुछ इस तरीके का है, ऊपर ये अच्छा एक वर्क हो रहा है और ये पैच लगा हुआ है इसमें एक, और नीचे इसके आते हुए ये वर्क है। ये प्योर कॉटन ही है, थोड़ा मिक्स है लेकिन अच्छा लग रहा है, पार्टी वेयर लुक है ये थोड़ा कुर्ते का। और ये ऐसे स्कर्ट टाइप में है, ये नीचे इसकी स्कर्ट है अटैच है इसके साथ, तो इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। ये इसके साथ है, कट में है ये ऐसे, ये भी इसका कट है। और नीचे का मैंने आपको इसका दिखाई दिया कि ये ऐसे ही दिख रहा है वर्क में इसके, और प्लस जो इसका गला है वो ऐसा है, इस पर ये वर्क हो रहा है गले पर, बाजू इसकी नॉर्मल प्लेन है येलो कलर की। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने ये ले लिया था, ये भी लोकल मार्केट से ही मैंने लिया हुआ है फरीदाबाद की। तो ये काफ़ी अच्छा था कुर्ते की, बिल्कुल प्लेन कोई वर्क नहीं है पीछे, बट लेकिन थोड़ा ट्रांसपेरेंट है और नीचे ये स्कर्ट टाइप का। तो बैक इसकी ऐसी है। एक कुर्ता जो चीज़ ली है, सॉरी मैं कुर्ता बोल गई, ये मैंने लाइफ में पहली बार लिया है तो मैं आपको दिखाती हूँ ये मैंने क्या लिया है। एक तो इसका ये गले पे वर्क है ऐसे, शायद आप लोग समझ गए होंगे ये एक गाउन है जो मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, और इसका लुक ऐसे है, सारा फ्लावर प्रिंट है इस पर, थोड़ा ये ऐसे है। फुल घेरे में है ये, ऐसे लिया हुआ है मैंने।
बाजू इसकी हाफ ही है और प्लस ज़्यादा बाजू नहीं है इसकी, हाफ हाफ ही है, मेगा स्लीव्स बोल सकते हैं। और इसका लुक बहुत बहुत सुंदर है। ये साथ में इसके दुपट्टा मिला मेरे को गाउन के साथ ही, और ये इसमें लटूरे लग रहे हैं, ये लटूरे लग रहे हैं। और ये प्लस इसके साथ पैरों में पहनने वाली लेगिंग है साथ में। तो ये मैंने जो गाउन लिया है ये मेरा ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 2500 तक का गाउन है, मैंने ज़्यादा कॉस्टली गाउन नहीं लिया है। और ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही लिया है सारा। ये तो थी मेरी शॉपिंग जो मैंने फरीदाबाद से नॉर्मल एक लोकल मार्केट से ख़रीदी थी, एक नंबर मार्केट है फरीदाबाद, वहाँ से मैंने सारी शॉपिंग करी है। और जो मेरा येलो वाला कुर्ता था वो 1300 का था, और जो सबसे पहले कुर्ता कॉटन का मैंने दिखाया था आई थिंक वो 400 या 450 का था, एक्चुअली मेरे को पता नहीं है क्योंकि वो मम्मी लेकर आई थी अकेले जाके, मैं दूसरी शॉप पे थी मतलब। तो ये तो हो गई मेरी ये वाली शॉपिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मेले में से क्या परचेस करा था, तो मैं आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, तो वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक जो मैंने मेले में से लिया था वो लिए थे ये धारवी की सैंडल बोल सकते हैं, राजस्थानी, तो ये मैंने ली थी और ये बिल्कुल अभी अनटच है, धारवी ने नहीं पहने हैं। तो ये राजस्थानी सैंडल मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, और ये मैंने लिए थे 250 के मेले में से, सूरज कुंड के मेले में से। एक शॉपिंग मैंने ये करी थी, और अगली दिखाती हूँ मैंने क्या करी थी। और जो मैंने सेकंड चीज़ ली थी वो ये है, बहुत सुंदर से हैं ये की चैन बोल सकते हैं, इनमें कीज मतलब चाबियाँ लगाने वाला जो होता है ये वो है। ये मैंने लिया था 250 का, 300 समथिंग बोल रहा था, तो बार्गेनिंग करके ये मेरे को मिला 250 तक का। और ये बहुत ही सुंदर है, और इसकी शेप भी बहुत अच्छी है, पिकॉक में है, मोर के। तो एक ये चीज़ मैंने ली थी, और एक जो लास्ट चीज़ मैंने ली थी मेले में से वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो लास्ट मैंने मेले में से लिया था वो ये लिया है, ये कप चाय के, जो बहुत सुंदर है दिखने में। ये ऐसे दिखते हैं कुछ इस तरीके के, तो ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 250 की रेंज में है, और बहुत अच्छे हैं कलरफुल से, कुछ डबल शेड में आ रहे हैं ऐसे ये अंदर से। तो ये मैंने लिया था अपने सूरज कुंड के मेले में से, ये 6 हैं। तो अब मैं लास्ट आपको दिखाती हूँ कि मैंने और क्या चीज़ ली थी जो मुझे गिफ्ट मिला। वो मिला है मेरा वैलेंटाइन डे गिफ्ट, इसे आप बोल सकते हैं छोटा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा कुछ सरप्राइज़ मिला है मेरे वैलेंटाइन डे पे। तो ये एक छोटा सा बॉक्स है, मैं आपको दिखाती हूँ इस बॉक्स में अंदर क्या है, दिखाती हूँ कि इस बॉक्स के ऊपर अंदर क्या है। ऊपर ये रिबन लगा हुआ है, और प्लस ये प्यारा सा एक स्टिकर लगा हुआ है, एक छोटा सा मैसेज, तो चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये है इसके अंदर आर्टिफिशियल रोज, और ये एक छोटू सा टैडी, बहुत क्यूट सा, ये मैं आपको दिखाती हूँ बाहर निकाल के, कितना क्यूट सा है ना, बहुत ही क्यूट है। और ये इसके अंदर कुछ ये रोज हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे ये बंद हो जाते हैं, तो इसे बंद करके ही रखना पड़ता है इसके अंदर ऐसे। तो ये था एक छोटा सा गिफ्ट जो मुझे मिला था, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत 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 अच्छी है, और ये लुक इसका बहुत ही प्रिटी है, शायद आप लोगों को देख के अच्छा भी लग रहा होगा कि ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, पीछे धार भी बैठी है।
तो ये मेरे लिए बहुत 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 प्यारा गिफ्ट है मेरा इस बार। इसको अभी तो एज इट इज़ रखूँगी, बाद में देखते हैं कि इसका मैं क्या यूटिलाइज़ करती हूँ इस बॉक्स का। मेरी एक छोटी सी शॉपिंग जो मैंने मेले से ख़रीदी और मुझे जो गिफ्ट मिला था वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है या और मेरी वीडियोस पसंद आती है पुरानी, तो उन्हें प्लीज़ लाइक करिएगा, बहुत सारे लाइक करिएगा, और इस वीडियो को तो ज़रूर लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी डालूँ वो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो रहे। तो नेक्स्ट वीडियो होपफुली मैं बहुत जल्दी डालूंगी और बहुत अच्छी वीडियो डालूंगी जिससे देख के आप लोगों को भी अच्छा लगे, इन्जॉय लगे देखने में भी। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो को अब करती हूँ दी एंड, फिर मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।